करने की योजना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 6 साल के लिए सामान्य सदस्यता होती है। पिछले 3 साल पहले हमारी सामान्य सदस्यता हुई थी। सदस्यता 6 साल के लिए होती है, लेकिन संगठनात्मक 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, और वो 3 वर्ष पूरा होने के बाद पुनः 20% सदस्यता के साथ अगले संगठनात्मक कार्यकाल में हम जाते हैं, और 6 साल के बाद पुनः सारी सदस्यताएं समाप्त हो जाती हैं और पुनः नए सिरे से सबको सदस्य बनना पड़ता है। उसी क्रम में हमारी उनके यहाँ जो मेंबरशिप है उसका तरीका बहुत अच्छा है कि जो भी मिसकाल, अगर एक व्यक्ति 4 मिसकाल दे दे तो एक ही व्यक्ति 4 बार मेंबर बन जाता है। हमारे यहाँ हर बूथ पर 10 यूथ बनाने की प्रक्रिया चालू है। अभी जो भी यूथ कांग्रेस के मध्य जो उनकी मेंबरशिप चल रही थी, खाली यूथ कांग्रेस की करीब 56,000 से 60,000 की मेंबरशिप हुई है, जिस पर हम यूथ कांग्रेस का चुनाव कराने जा रहे हैं अपने संगठन का। शक्ति में हमारे यहाँ जो शक्ति विद वोटर कार्ड के साथ मेंबरशिप होती है, उसको हम 20,000 का लक्ष्य पार कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह हमारी सक्रिय मेंबरशिप, हम 10 एक बूथ पर 11 यूथ को लेकर चल रहे हैं। उसमें महिला कांग्रेस अलग है, NSY अलग है, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर हम लोग हर बूथ पर 11 यूथ को लेकर चल रहे हैं, और इसी से हम चुनाव लड़ेंगे 2019 में। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मेंबर के मामले में भी कांग्रेस से बहुत पीछे होगी। बीजेपी का दावा खोखला है और लोगों को जोड़ना बीजेपी के लिए नया होगा, लेकिन समाजवादी हमेशा आम जनता से जुड़े भी रहते हैं और आम जनता को जोड़ करके रखते हैं। समाजवादी पार्टी का जब सदस्यता अभियान चल रहा था, 17 अप्रैल में प्रारंभ हुआ था, तो सदस्यता के दौरान ही करीब 1 करोड़ से अधिक हमारे सदस्य बन गए थे, और आज समाजवादी पार्टी में सदस्य बनने का लोगों का तांता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी